महंगाई घटाने का दावा करने वाली मोदी सरकार ने दलहन और चावल पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया है। इससे नाराज एपीएमसी के व्यापारी संगठनों ने 16 जुलाई को भारत बंद की घोषणा की है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रोमा फार्म और सीएमआईटी संगठन के प्रतिनिधियों ने बताया कि अनाज पर जीएसटी से 10% महंगाई और बढ़ जाएगी, जिसका खामियाजा आम जनता को भोगना पड़ेगा। उन्होंने जीएसटी को तत्काल रोल बैक करने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। एपीएमसी की अनाज मंडियों में जीएसटी का विरोध गरमा गया है। व्यापारियों के संगठन फार्म ग्रोमा और सीएमएआईटी ने अनाज पर 5% जीएसटी लगाने का खुला विरोध करते हुए 16 जुलाई को भारत बंद करने का ऐलान किया है। आज ग्रोमा हाउस में आयोजित ट्रेडर्स संगठनों की बैठक के बाद व्यापारी प्रतिनिधियों ने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले से जहां महंगाई 10% और बढ़ेगी, वहीं छोटे व्यापारी भी तबाह हो जाएंगे। इसका सबसे ज्यादा असर आम जनता पर पड़ेगा। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मोदी जी ने और ये भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था तो जिन वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, तो अब वो उस बात से पीछे हट रहे। हाल ही में सरकार ने जो पल्सेस पर मतलब अनब्रांडेड जो पल्सेस है या आवश्यक जीवन आवश्यक वस्तु है उस पर 5% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है और उसका नोटिफिकेशन आ जाया है, उसके विरोध में भारत बंद हो रहा है। 16 जुलाई को सभी मार्केट बंद रहेगी, उस प्रकार से महाराष्ट्र भी बंद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।